Dear students, welcome to the class once again. Last class में हमने पढ़ा narration में कि किस प्रकार direct से indirect बनाते समय अगर हमारे reporting work present tense में रहता है तब क्या क्या changes आते हैं, और अगर हमारा reporting verb अगर past tense में होता है तब ऐसी स्थिति में हम वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में होता है तो फिर अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पूरा जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस है वो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि यदि हमारा जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी अगर पास्ट टेंस में है तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहला रूल या नियम है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इनवर्टेड कामा के जो अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पहले देख लेते हैं किसमें बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। यानी अगर हमें कोई वाक्य दिया जा रहा है, कोई सेंटेंस दिया जा रहा है जिसमें डायरेक्ट का कोई एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस पास्ट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो फिर इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि यही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आ जाता है। तो ये रहा, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया कि ही सेड, रोहित प्लेड वेल। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि ही सेड रोहित प्लेड वेल। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये भी पास्ट टेंस में है और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी यहाँ पर आया हुआ है प्लेड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब जब इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट को हमने अपनी जगह रख लिया ही, इसके बाद आ गया सेड, क्योंकि सेड के बाद कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है इसलिए यहाँ पर
सेट टू सेट ही रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, तो इसकी जगह आ गया दैट, ही सेड दैट, फिर ये थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर आ गया रोहित, ही सेड दैट रोहित। अब यहाँ पर जो है नियम कहता है कि चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की रचना हम कैसे करते हैं, इस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है वो रचना है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो इसलिए अब यहाँ पर रोहित के बाद लगा देंगे कि रोहित हैड और थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे प्लेड वेल। तो इस प्रकार से हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस मिला वो मिला कि ही सेड दैट रोहित हैड प्लेड वेल। तो इस तरह से हम इसको अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई सेड टू हिम आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे, आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। ये हमने एक सेंटेंस ले लिया डायरेक्ट का। अब इसको हम बदलते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आई अपने जगह गया आई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। तो जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सेट को हम बदल देते हैं टोल्ड में, तो आई टोल्ड हिम, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह फिर वही कनेक्टिंग दैट का प्रयोग कर देंगे, आई टोल्ड हिम दैट आई। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो है अब इनडायरेक्ट बना कि आई टोल्ड हिम दैट आई हैड सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। अब जो है कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो जिसमें कि हमारा रिपोर्टिंग यू वर्क रिपोर्टेड इस रिपोर्टेड स्पीच होगा वो दूसरे टेंस में होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस वाले भी एग्जांपल लेकर देख ले रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस वाले अगर एग्जांपल होंगे तो फिर वो किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है पहला वाला भी सबको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग इसको भी अब देखते हैं। He said the children were playing in the field. अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि ही सेड द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द फील्ड। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं कि इसको, यानी कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर सहायक क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला आया हुआ है, यानी कि ये जो है वो पास्ट परफेक्ट है, अरे पास्ट कंटिन्यूअस है सॉरी। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस अगर हमको मिलता है रिपोर्टेड स्पीच तो इसको कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा He said, अपनी जगह पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग कर देंगे। He said that थर्ड पर्सन में द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन, अब ये चूंकि यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जैसा कि नियम के द्वारा हम लोग जान चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया है द चिल्ड्रेन, इसके बाद हम लगा देंगे द चिल्ड्रेन हैड बीन
playing in the field. तो इस प्रकार अब हमारा जो है मिला इनडायरेक्ट वाक्य मिला कि ही सेड दैट द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड. तो इस प्रकार ये बदल गया कि यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है. एक और एग्जांपल देखते हैं. रोहन सेड इंडिया हैड won the match. नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट हुआ कि रोहन सेड इंडिया हैड won the match. अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले रोहन अपनी जगह पर आ गया, यहां पर रोहन, फिर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर यहां पर दैट का प्रयोग कर दिया. अब यहां पर देखेंगे यहां पर कौन सा टेंस है हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस क्या है. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हैड का प्रयोग हुआ है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि यहां पर पास्ट परफेक्ट है. और रूल्स के द्वारा, नियम के द्वारा हम जान चुके हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट में होता है तो फिर पास्ट परफेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो यानी कि फिर हम इसको लिख देंगे कि रोहन हैड सेड दैट India had won the match. यानी कि ये past perfect वाले example हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अब कोई tense में भी परिवर्तन करना नहीं है. तो ये past perfect भी आसान होगा और इसी तरह से जो हम अगला example जब लेंगे past perfect continuous का, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जो है, क्योंकि चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं इसलिए वो भी हम आसानी से जो है हम बना सकते हैं. अब जैसे एग्जांपल हमने लिया मनोज सेड सीता हैड बीन सिंगिंग फॉर टू आवर्स. हमारा डायरेक्ट स्पीच मिला कि मनोज सेड सीता हैड बीन सिंगिंग फॉर टू आवर्स. अब इसको देखते हैं कि हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे. तो अब जो है यहाँ पर हमने सब्जेक्ट यहाँ जो है पहले सबसे पहले यहाँ पर मनोज लिख दिया, सेट के बाद चूंकि कोई जो है आया नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं, इसलिए सेट को अपनी जगह पर लिख देंगे सेट कनेक्टिंग वर्ड दैट सीता. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर टेंस क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो हैड आया हुआ है, फिर बीन है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. और जैसा कि नियम हमें कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में फिर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. तो इस तरह से फिर इसी वाक्य को उतार देंगे दैट सीता हैड बीन सिंगिंग फॉर टू आवर्स. अब हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया कि मनोज सेड दैट सीता हैड बीन सिंगिंग फॉर टू आवर्स. तो इस तरह से बस पास्ट टेंस वाले में हमने देखा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो उसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ये दोनों है तो फिर इसमें कोई चेंज हम नहीं करते हैं.